काफी देर हो गई, आखिर में आपका नंबर आया और आप लोग सब जानते हैं रमजान चल रहा है, एक आधा घंटा इफ्तारी में भी लग जाता है और आप लोग भी अब तरावी से वैसे तो फारिग हो गए होंगे, तो ठीक टाइम भी है उस हिसाब से। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव है, आपका चुनाव है, आप लोग मेरे वालिद साहब से जुड़े हुए पुराने लोग हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, तो आपकी भी बेटी भतीजी बहन हूँ और ये हमारा अपना ही चुनाव है, तो इसमें आप लोगों को मिलजुल कर मेरा साथ भी देना है, दुआ भी करनी है और वोट भी मांगने हैं, तभी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें गांव के लोग थोड़े नाराज हो रहे थे मेरे से कि मैं यहाँ पहले नहीं आई, तो उस बात ने भी मैंने देखी, मैंने महसूस करी तो मैं आना नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पर अब जो ये जिम्मेदारी आई है, इससे पहले तक मेरे पर सिर्फ एक विधानसभा की जिम्मेदारी थी, केराला की, वो मैं निभा रही थी। मुझे राजनीति का इतना पता तो था नहीं, जिन हालातों में मेरा आना हुआ राजनीति में आप सब जानते हैं, अम्मी पे और भाई पे झूठे मुकदमे लगा दिए, सारी जिम्मेदारी एकदम मुझ पे पड़ गई, मुझे राजनीति का इल्म भी नहीं था, धीरे धीरे विधानसभा के लोगों से जानकारी हुई, वहाँ पर सबको जाना पहचाना, चुनाव लड़ा, फिर उनकी जिम्मेदारी निभाई, भाई एक साल जेल में थे, उनकी वहाँ पर पैरोकारी करी, तीन तीन अदालतों में उनकी पैरोकारी करी। तो इस बीच हालात ऐसे बीते परिवार पे कि मेरा आना नहीं हो पाया और अब क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपकी बेटी तैयार हो गई है, तो अब इसलिए आपके बीच आई हूँ और आज वादा करती हूँ कि ऐसी शिकायत दोबारा कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये मेरे वालिद साहब का बहुत ही अजीज गांव रहा है और जिस तरीके से वो आपके सुख दुख में, आपकी हर परेशानी में आपके बीच रहते थे, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं भी उसी तरह जिस तरह मेरे वालिद साहब आपके बीच रहते थे, आपके बीच रहने का काम करूंगी, आपके हर काम में आगे रहने का, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जैसे आपने हमेशा मेरे वालिद साहब का साथ दिया, तो मेरा भी साथ देकर मुझे उस लायक बना दीजिए कि मैं आपके काम आ सकूं, आपकी खिदमत कर सकूं। और जैसा सभी बड़ों ने बताया कि ये चुनाव बहुत बड़ा है, ये इल्लम से लेकर टोडरपुर मील तक चुनाव है, 900 गांव हैं, 17 कस्बे हैं, टाइम बहुत कम है, तो इसमें आपकी सबकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। आस पड़ोस में ईद के बाद जब आप जाएंगे रिश्तेदारियों में, तो सब जगह आप कहिएगा भी, औरों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए चुनाव में और सबको समझाने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, ईद के एक हफ्ते बाद हमारा चुनाव है, तो जितने भी लोग बाहर काम के लिए गए हैं वो ईद पर तो घर आएंगे, हमें कोशिश ये करनी है कि उनसे गुजारिश करके उन्हें रोक लें कि वो वोट डालकर, क्योंकि हमें अगर जीत का रास्ता हमारा निकलता है तो वोट परसेंटेज बढ़ाने से ही निकलेगा, वरना चुनाव मुश्किल है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको और हमें वोट परसेंटेज बढ़ाने पे रखना है, जितनी हमारी परसेंटेज बढ़ेगी उतनी ही हमारी जीत सुरक्षित हो पाएगी, तो आप सब इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जिनके वोट नहीं बने वो अपने वोट को अभी भी ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जिनके पास पहचान पत्र या इस तरह की कोई कमी है उसे अभी टाइम है, पूरा कर ले, और अपने साथ साथ अपने पड़ोस के, अपने गांव वालों के, सभी के पर्ची, वोट, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से प्यार से आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, इसी प्यार को वोटों में तब्दील करने की ज़रूरत है हमें, और ये चुनाव आपके और हमारे आगे आने वाले मुस्तकबिल का चुनाव है। अगर हम इसमें चूक कर गए तो इस बार भाजपा न जाने हमसे कौन से अधिकार हमारे छीन लेंगे, तो बहुत अहम चुनाव है और मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा टिकट हुआ है, ये आपकी और हमारी सभी की अब
लाज और इज्जत का मामला है कि यहाँ से हम यहाँ से अपना चुनाव निकाल सके, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि इस चुनाव में अब आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप जिम्मेदार हैं इस चुनाव के। आप इस चुनाव को जिम्मेदारी से उठाएं, जिम्मेदारी से संभालें और दूसरी जगह पर प्रचार करें और इस चुनाव को उठाने में मेरी मदद करें, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी घर का बड़ा काम होता है एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता, चाहे शादी ब्याह हो, इसी तरह चुनाव का काम है, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपके सबके साथ की जरूरत है, हर कदम पे जरूरत है, चाहे वो वोट मांगने में हो, वोट डलवाने में हो, परसेंटेज बढ़ाने में हो। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें आप लोग मेरी मदद करें, इसे अपना चुनाव समझ के इसे लड़ाने का काम करें, और क्योंकि रमजान का महीना है तो दुआओं की भी बहुत दरखास्त है, दुआओं से रास्ता आसान होगा। आप सबके बीच में जैसे आज आई हूँ, इंशाल्लाह इसी तरह आती रहूंगी, हाजिरी देती रहूंगी, तो जो भी दिल में कोई नाराजगी हो मेरी तरफ से उसे निकाल के अब आप इस चुनाव को संभालें, इसे लड़वाएं और दुआओं में भी याद रखें।